गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2021 को किसने संबोधित किया। इसके ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, योशिहिदे सुगा, नरेंद्र मोदी, मून जे इन। इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2021 को संबोधित किया जो 16 जून 2021 को आयोजित हुई। ब्रुनेई 2021 एडीएमएम मतलब 8वां आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है प्लस फोरम की अध्यक्षता कर रहा था। एडीएमएम प्लस 10 आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देशों और 8 जो डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस की स्थापना 2010 में हुई और इसके 2021 की अध्यक्षता थी, ये ब्रुनेई के पास थी और इसमें जो सदस्य हैं 10 आसियान देश हैं और 8 डायलॉग पार्टनर्स। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने UNCCD का 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता। इसके ऑप्शंस हैं FAO पारिवारिक वानिकी, EPCO इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पारिवारिक वानिकी। पारिवारिक वानिकी जो कि राजस्थान स्थित जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी की पर्यावरण संरक्षण अवधारणा ने 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जिता दिया। इसकी थीम थी हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड्स यह भूमि संरक्षण और बाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशियल टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसकी स्थापना 1994 में हुई। हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी। कार्यकारी सचिव है इब्राहिम थियो मोरिटोनिया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया, यह कौन से देश के राष्ट्रपति थे। इसके ऑप्शंस हैं रवांडा, मोजाम्बिक, जाम्बिया, कांगो। इसका राइट आंसर है जाम्बिया। डेविड केनेथ कोंडा का निधन हो गया, ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये जाम्बिया के संस्थापक और लिबरेशन हीरो थे। इन्होंने 1964 में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र मतलब जाम्बिया को ब्रिटेन से स्वतंत्र कराया और 1991 तक मतलब 21 साल तक शासन किया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, राष्ट्रपति है एडगर चागवा लुंगु, मुद्रा है जाम्बिया क्वाचा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, कौन से राज्यों ने छात्रों के ई लर्निंग के लिए पाठशाला और ई मूल्यांकन पोर्टल लॉन्च किया। इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, असम, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने छात्रों के ई लर्निंग के लिए मतलब ऑनलाइन स्टडी के लिए ई पाठशाला और ई मूल्यांकन पोर्टल लॉन्च किया है। ई पाठशाला एक वेब बेस्ड मंच है जिसमें कागजी कार्रवाई, ऑडियो और फिल्मों के प्रकार की कई भीतर की सामग्री का भंडारण है। इसके अलावा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए रेडियो पाठशाला और शिक्षा दर्पण पहले से ही उपलब्ध है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, इसमें 30 जिले हैं। राज्यपाल है गणेशी लाल, CM है नवीन पटनायक। इसके अलावा झीलें जैसे चिल्का झील जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसके अलावा आंसूपा झील, पाटा झील। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में ADB बैंक ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को 250 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एडीबी बैंक ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है के प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा। जो सदस्य कंट्रीज हैं वो है 68 कंट्रीज इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और करेंसी है टका। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना।
इसके अलावा बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को शेयर करता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस 2021 कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। इसका राइट आंसर है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस 2021 मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र और 100 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व सौहार्द दिवस 19 जून को मनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।